हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। दिविशा नम आँखों से उस तरफ देख रही थी जहाँ से अभी अभी लक्ष्य के आदमी शास्त्री काका को अपने साथ ज़बरदस्ती घसीट कर ले गए थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो धम से नीचे बैठ गई और रोती हुई आवाज़ में कहा, हे भगवान जी, ये आपने क्या किया? कैसी परिस्थितियों में डाल दिया मुझे? मैं क्या करूँ अब? और ये कहते हुए उसका रोना और तेज़ हो जाता है। वो अपनी नज़रें सारे आश्रम की तरफ दौड़ाती है तो उसके जहन में कैद आश्रम में बिताए हुए सारे पल उसे याद आने लगते हैं। आखिर यही तो उसका घर था और आश्रम के लोग उसका परिवार। वो अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी हुई और एक गहरी सांस लेकर बोली, ये आश्रम ही तो मेरा सब कुछ। जब से होश संभाला तब से खुद को इन्हीं लोगों के बीच पाया, यही तो मेरे अपने हैं। ये सोचकर वो खुद को मजबूत करती है और अपने फ़ोन की लॉक स्क्रीन की तरफ देखती है जहां उसकी और नमन की पिक्चर थी। नमन को देख एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू बह पड़ते हैं। वो उसकी पिक्चर पर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोली, माफ़ करना नमन, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। माफ़ करना, मैं तुम्हें चुनने के काबिल नहीं हूँ क्योंकि बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, लेकिन उससे शायद थोड़ा सा ज़्यादा प्यार मैं अपने परिवार, अपने लोगों से करती हूँ जिन्होंने मुझे तब से संभाला है जब से मैं होश में नहीं थी। और इतना कहकर उसने फ़ोन ऑफ कर दिया और भारी मन से कमरे की ओर बढ़ गई। जब वो कमरे में पहुँची तो उसके सामने शादी का जोड़ा रखा था, ठीक वैसे ही जोड़ा जिसे वो नमन के साथ साथ फेरे लेते वक्त पहनना चाहती थी। वो उस जोड़े को देख एकदम से लड़खड़ा गई और उसकी नम आँखों में एक उबाल आ गया कि तभी उसकी नज़र सामने खिड़की पर गई जिससे बाहर कुर्सी पर बैठा लक्ष्य उसे साफ नज़र आ रहा था। ये देख वो तेज़ कदमों से उस ओर बढ़ी और उसने खिड़की बंद कर दी। इस वक्त उसे खिड़की से पार बैठे व्यक्ति से घिन आ रही थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और लंबी लंबी सांसें लेने लगी कि तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। जब उसने फ़ोन की तरफ देखा तो स्क्रीन पर किसी अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा था कि तुम्हारे पास 15 मिनट बचे हैं, अब तुम लाल जोड़ा पहनकर आती हो तो ठीक, वरना मैंने इन सबको सफ़ेद कफन पहनाने की पूरी तैयारी कर ली है। ये पढ़ दिविशा अपना फ़ोन वहीं बेड पर पटक देती है और उस जोड़े की तरफ देखती है जिसे पहनने के लिए उसने ना जाने कितने सपने सजाए थे और आज वही जोड़ा उसके सपनों को जला रहा था। वो तैयार होने लगी और कुछ ही मिनटों में एक दुल्हन का अक्ष उसके सामने था। ऐसी दुल्हन जिसने बस लाल जोड़ा पहना था, ना उसके हाथों में चूड़ियाँ थी ना गले में हार था, तो बस आँखों में काजल की जगह नमी और होठों पर मुस्कान की जगह बस एक कंपन। उसका पूरा शरीर बेजान सा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य गार्डन में एक कुर्सी पर बैठा सामने हो रही तैयारियों को देख रहा था। उसके बगल में उसके गार्ड्स आश्रम के सभी लोगों को ऊपर बंदूक ताने खड़े थे। उसने सामने देखा तो कमरे की खिड़की बंद थी। ये देख उसके चेहरे पर एक व्यंगात्मक मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन बोला, बस एक बार ये शादी हो जाए फिर ये पूरा खेल हमारे हाथों में होगा। वैसे भी लक्ष्य चौधरी बाजियां पलटने में बहुत माहिर है। किस खेल की बात कर रहा है लक्ष्य? आखिर क्या है उसका मकसद? आगे इस कहानी में क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ ये आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।